पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी को नजरअंदाज करते हुए अपना अलग गुट बना लिया था और अपनी ही पार्टी के नेताओं को चुनौती देते नजर आए थे, अब वही सब हरियाणा कांग्रेस में भी हो रहा है। बड़ी बात यह कि जिस तरीके से पंजाब में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, नवजोत सिंह सिद्धू को बढ़ावा देते रहे, वही सब हरियाणा में कुमारी शैलजा को बढ़ावा दे रहे हैं। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा और किरण चौधरी के बीच तकरार इतनी बढ़ गई कि कुमारी शैलजा प्रदेश में पार्टी से इतर अपने कार्यक्रम आयोजित करने लगी। इतना ही नहीं, कुमारी शैलजा खुद को सीएम कैंडिडेट तक के तौर पर पेश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र को सीएम कैंडिडेट बनाने के लिए गोटियां बिछा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर हुड्डा और शैलजा के बीच इस तरह की तकरार जारी रही तो कांग्रेस का चुनाव में हारना तय है। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच टकराव में इतनी तेजी है कि अलग अलग यात्राएं निकाली जा रही हैं। एक तरफ रैलियों में भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम फेस बताया जा रहा है, तो कुमारी शैलजा की यात्राओं में उन्हें अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जा रहा है। उनके जो पोस्टर्स आ रहे हैं उसमें भी वही प्रमुख तौर पर दिखती हैं। इसके अलावा चौधरी वीरेंद्र सिंह और नरणदीप सुरजेवाला की तस्वीर दिखती है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम और फोटो नहीं है। फेसबुक, एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कुमारी शैलजा के समर्थन में उन्हें अगला मुख्यमंत्री बता रहे हैं। ऐसी स्थिति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे से उनका टकराव होना लाजिमी है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दो खेमों में बंटना उसके लिए चिंता बढ़ाने वाला है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी और इसके चलते उनके लिए विधानसभा में उम्मीदें बढ़ी थीं। 2014 के बाद पहली बार कांग्रेस खुद को मजबूत मान रही है। ऐसे में कुमारी शैलजा और हुड्डा के गुटों में बांटना कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा होगा। कुमारी शैलजा ने संदेश यात्रा निकाली और वो अपने गढ़ सिरसा के अलावा अंबाला, करनाल, कैथल जैसे इलाकों में भी खूब जा रही हैं। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा गुट संभल कर बात कर रहा है। कुमारी शैलजा ने अपनी यात्रा को उनसे अलग बताया था, लेकिन हुड्डा के पूछे जाने पर कहा कि उनकी यात्रा अलग नहीं है। अब ताकत की बात करें तो राज्य में जीत हासिल करने वाले कुल 4 सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जयप्रकाश, सत्यपाल ब्रह्मचारी और वरुण चौधरी ने सीनियर हुड्डा को ही समर्थन दिया। कुमारी शैलजा अकेली सांसद हैं, फिर भी उन्हें रणदीप सुरजेवाला और चौधरी वीरेंद्र सिंह का समर्थन हासिल है। दोनों उनके पोस्टर्स में दिखते हैं और रैलियों में भी खूब नजर आ रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश का कोई भी नेता उनके पोस्टर्स में नहीं दिखता। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं को अलग जगह दी जाती है। ये बात इसलिए हैरान करने वाली है, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को भी वो पोस्टर में जगह नहीं दे रही। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का कहना है इसलिए मुश्किल बढ़ रही है क्योंकि अब तक हाईकमान भी रार को थामने का कोई प्रयास नहीं कर पाया। यदि ऐसा ही चलता रहा तो फिर विधानसभा चुनाव में मुश्किल होगी, क्योंकि भाजपा भले ही झटका खा चुकी है लेकिन उनके बीच गुटबाजी नहीं दिख रही।